नमस्ते। आजकल बच्चे सुबह बहुत जल्दी स्कूल में जाते हैं और जब ये स्कूल में जाते हैं तो बस से जाते हैं। बस में बहुत बार डीजल की जो बदबू आती है उसकी वजह से बच्चों का जी मितलाता है, उनको लगता है मुझे उल्टी होगी, इसलिए बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। बहुत पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं वो यही प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मेरे बच्चे दूध पी के नहीं जाते स्कूल में। तो वो कारण ये है कि उनका जी मितलाता है, उनको अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है। इसीलिए आप सुबह जब भी बच्चे उठते हैं और उनको लगता है कि आपको लगता है कि उनके पेट में थोड़ी भूख हो तो उनको केला देना चाहिए या खजूर या कोई भी मिक्स नट्स दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा अंदर पेट में अच्छा लगे, पित्त भी ना बढ़े और उनको उल्टी भी ना हो, इस तरीके से उनको खा के भेजिए। अभी पहला होता है छोटा टिफिन। छोटा टिफिन जो होता है, तभी बच्चे स्कूल में तो आए रहते हैं, कभी कभी नींद में ही रहते हैं, दो चार पीरियड होने के बाद उनको नींद भी आने लगती है, उनका कॉन्सेंट्रेशन उतना बढ़ा नहीं रहता कि वो चार छः घंटे अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ सके, इसलिए उनको उस समय में थोड़ी शुगर की ज़रूरत रहती है। बिल्कुल छोटे जब ही रहते हैं तो उनको हम लोग शुगर और सॉल्ट ज़्यादा नहीं देते, मगर ये स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं और खास करके जो फिजिकली एक्टिव है, उनको आप घर में बने हुए मूंग के आटे के लड्डू या बेसन के लड्डू या फिर गूंद के लड्डू, जो गूंद आता है जो हम लोग डिलीवरी के बाद खाते हैं, उसको ही अच्छी तरह से घी में तल के उसको क्रश करके फिर थोड़ा रागी का आटा उसको अच्छी तरह से घी में रोस्ट करके बेसन थोड़ा गेहूं का आटा इन सबको अच्छी तरह से घी में उसको अच्छी तरह से ब्राउनिश करके उसके अंदर डालना है। फिर उसके साथ बादाम का पाउडर, खारेक का पाउडर और अगर ड्राइड कोपरा है तो उसका थोड़ा पाउडर, खसखस थोड़ी, ये सब डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ डालिए और इसमें घी तो अच्छा रहता है तो उसको अच्छी तरह से उसके लड्डू बन सकते हैं, तो ये लड्डू आप उनको दे सकते हैं। उसके साथ ही कोई खजूर को क्रश करके उसके अंदर नट्स के टुकड़े डाल के उसके लड्डू भी बनते हैं, वो भी बहुत पौष्टिक होते हैं, या सारे नट्स दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे फिजिकली एक्टिव नहीं है तो उनका ये इतना मीठा वो पचा नहीं सकेंगे, तो फिर उनका फ्रूट्स दे सकते हैं, दाड़म के दाने दे सकते हैं, उसके साथ पैर को काट के दे सकते हैं, एप्पल पूरा दे सकते हैं या एप्पल के टुकड़े एयरटाइट डब्बे में डाल सकते हैं। आजकल केला लेके जाने के लिए खास केले के आकार का ही डिब्बा रहता है, तो उसमें आप उनको केला भी दे सकते हैं। तो फ्रूट्स है और आजकल बहुत सारी स्कूल लिख के ही भेजते हैं कि आप वेफर्स है या पैकेट बंद जो कुछ पदार्थ होते हैं, चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, ये बच्चों को ना दे। तो इस तरीके से आप सब जो चीज़ें देते हैं तो जो फर्स्ट रिसेस होती है जिसके अंदर बच्चे बहुत थके हुए रहते हैं उनको एनर्जाइज हो जाते हैं वो, और फिर आगे पढ़ने के लिए उनमें शक्ति आ जाती है। ये करके ज़रूर देखिए और ये आपको वीडियो कैसे लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कहना ना भूलना। अगर आपने आज तक हमारा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और अगर ये चैनल अच्छा लगा तो आपके दोस्तों को परिवार को कहना भी ना भूलिए। नमस्ते।